आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया है, राजस्थान को नंबर वन बनाना है। ये वो वीडियो है अशोक गहलोत का, ये वीडियो ये देखिए, राजस्थान को नंबर वन राज्य बनाना है, ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को अहमियत क्यों मिल रही है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन पर आज बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2030 तक राजस्थान को नंबर वन राज्य बनाना है, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता से जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं अशोक गहलोत। ऐसे में अशोक गहलोत की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो, जिसके मायने हैं, क्योंकि एक तरफ वो अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट से विरोध का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने सरकार के काम की बढ़ाई करते हुए ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान को नंबर वन राज्य बनाएंगे और 2030 तक का वो लक्ष्य भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि अपनी ही पार्टी से वो इस वक्त विरोध का सामना कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान जरूर उनके साथ खड़ा है, लेकिन सचिन पायलट का भी राजस्थान में अच्छा खासा आधार है, और जिस वक्त विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ तब माना यह जाता है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से पार्टी के लिए काम किया, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सफलता दिलाने में सचिन पायलट का बड़ा रोल था। और ऐसे में अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ है, यानी कि अपनी ही पार्टी के नेता अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, तो ऐसे में अशोक गहलोत के लिए क्या और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं विधानसभा चुनाव से पहले। ऐसे में जहां एक तरफ अनशन हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार को अपने ही भ्रष्टाचार पर घेरे जा रहे हैं, उस वक्त अशोक गहलोत की तरफ से वीडियो जारी कर दिया गया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले चार बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख का 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं भरवा जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए, बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाए उतने कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएं अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपए में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपए करने जा रही है। अगर महंगाई का हाल देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत राहत बजट वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की, राहत बचत
बजट वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं और अपने हक के लाभ की मांग करेंगे। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों। Z News.